वाले प्रोडक्ट के साथ में वजन कम करने में मदद करता है। इसके अंदर कैप्सूल लेमन फ्लेवर, नींबू सत और लेमन ड्राई है। ये आपके आप कह सकते हैं शरीर में जो छिपा दवा फैट है उसको बाहर निकालकर यूजेज में, यूटिलाइजेशन में उसकी एनर्जी काटकर बनाने में मदद करता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ग्रीन टी भी है, जो कि आपका जैसे मैंने बताया ना कि अगर 30 से नीचे बीएमआई है तो उतना ग्रीन टी आपके लिए सफिशियंट है आपके मेटाबॉलिज्म को बेटर करने के लिए। अगर बहुत ज्यादा वजन है तो आपको इसको ओबियोडॉक या फिट डॉक, ओबियोडॉक या स्लिम डॉक के साथ देना होता है। लेकिन अगर उससे नीचे है वजन, तो 30 बीएमआई से नीचे है, तो आप इसका सिर्फ इसका यूजेज करके भी अपना वजन पे कंट्रोल, वजन पे मैनेज कर सकते हैं चीजों को। मसाला चाय की तरह लेना होता है, जैसे मसाला चाय सुबह शाम दिन में दो बार आप चाय लेते हैं, ऐसे चाय की तरह, मसाला चाय की तरह इसको लेना होता है। ये आपके शरीर में आप कह सकते हैं एनर्जी लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप। एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप बेसिकली आप कह सकते हैं आपका डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया है। किसी के घर जाते हैं ना, पानी सब होता है, या तो आप उसमें पंच तुलसी डाल के उसे पिलाइए, या फिर अगर उसको गले में खुजली, सर्दी, जुकाम सा लग रहा है तो उसको ये डाल के पिलाइए। क्या ये नॉर्मली भी आपके लिए है? ये समझ लीजिए इम्यूनोडॉक आप हर जगह एक लीटर का लेके नहीं घूम सकते ना, तो ये छोटू इम्यूनोडॉक आपके लिए जाता है। लेकिन इसको रेगुलर उस तरह से नहीं यूज करना जैसे इम्यूनोडॉक यूज करते हैं। ये आपको सर्दी जुकाम, गले में खराश या इस तरह की चीज लगने लगे तो आप एक ड्रॉप हल्के गुनगुने पानी में, गर्म पानी में डालना है, जितनी गर्म आप चाय पी सकते हैं, और सिप सिप करके से पीना है। पपीते के पत्ते, गिलोय, अश्वगंधा, अर्जुन चाल बुखार को कम करने मदद करते हैं। काली मिर्च, तुलसी, अदरक, मुलेठी गले में सर्दी जुकाम वाले जो सिम्टम्स होते हैं उनको कम करने मदद करते हैं। कोविड, जीका, स्वाइन फ्लू इस तरह के वायरसेस को के इफेक्ट को कम करने में ये आपकी बहुत ज्यादा हद तक हेल्प करता है। ये भी आपका डेमोंस्ट्रेशन वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका गिलॉय। गिलॉय देखिए जी, ये जूस है। इसको इंडिया में चमत्कारी बूटी, सॉरी, इंडिया में से ज्वरगांठ कहा जाता है। ज्वरगांठ मतलब बुखार को ठीक करने वाली, और विश्व में इसका नाम है वंडर हर्ब, यानी चमत्कारी बूटी। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व में बाकी सारे देश समझ गए हैं कि कितने चमत्कार करता है, सिवाय अपने देश के कंपेयर में। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, आपके शरीर में पुराने से पुराने बुखार को निकालने में मदद करता है, जिसको आप क्रोनिक फीवर कह सकते हैं। इसके अलावा ये आपके पाचन को बेहतर करता है, ये डायबिटीज है यानी शुगर को भी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। साथ साथ आप कह सकते हैं, साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि आपके तनाव और एंजाइटी को कम करने मदद करेगा। एस्थमेटिक सिम्टम यानी कि आपका जो सांस संबंधी समस्या है उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं। एस्थमेटिक, सांस फूलना, सांस टूटना, या छोटी सांस सीढ़ी चढ़ने पे हाफी लगना, इस तरह के जो दमा के लक्षण होते हैं ना उनको भी कम करने में मदद करता है। जोर से बोलने पर हाफी चढ़ना, साथ साथ ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी आपका हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये नसों को पकड़ की, नसों की पकड़ मजबूत करता है, जिनकी कमजोर होने की वजह से आपकी आंखों की रोशनी की समस्या है। आपके साइंस ऑफ एजिंग को भी कम करने में मदद करता है, शरीर से टॉक्सिंस निकालता है, जिसके चलते ये सारे काम हो सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, आपके लीवर के लिए बहुत हेल्दी रहता है। 15 से 20 ml दिन में दो बार आपको लेना होता है, खाना खाने के बाद लेना होता है, एक चीज। दूसरी चीज, ये भी आपका कैप्सूल रूप में प्रेजेंट है, हेयर टेस्ट। अगर आप नहीं कैरी कर सकते हैं वो बॉटल फॉर्म, जूस फॉर्म, तो आप कैप्सूल रूप में ले सकते हैं। नॉर्मल रूटीन में लेना आसान रहता है, 1 से 2 कैप्सूल दिन में दो बार लेना होता है। नेक्स्ट आता है नोनी डॉग जूस। मैंने आपसे कहा था एक बार ब्रह्मास्त्र आने वाला है, हेयर टेस्ट नोनी डॉग जूस। ये भी अगर कोई भी प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा है, काफी टाइम हो चुका है फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, शरीर उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो ये उस काम को करने में मदद करता है। सिवाय किडनी के मरीज के, चाहे स्टोन हो, चाहे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ वाला मरीज है, किडनी का अगर कोई मरीज है, उसके अलावा आप ये किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि सामने वाला व्यक्ति किडनी का मरीज है या नहीं है? बेवजह बिना मौसम हमेशा हिचकी आती रहती है, या बहुत ज्यादा हिचकी आती, नियमित रूप से हिचकी आती है, या आपका बीपी नियमित रूप से बढ़ा ही रहता है, ये दोनों साइन होते हैं आपके किडनी के हल्के कमजोर होने के। तो उसमें ये नहीं देना है, किडनी छोड़ के किसी भी सिचुएशन में दिया जा सकता है। ये बीपी को मैनेज करने में, माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द हो गया, शुगर, कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपका जो भी आपका दस्त संबंधित, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम है, पाचन संबंधित प्रॉब्लम के अलावा ये आपके जोड़ों के दर्द में आराम देता है। स्किन प्रॉब्लम्स के लिए ये आपको हेल्प करने वाला है। ये आपकी बॉडी के न्यूट्रिशियस फंक्शंस जो चल रहे हैं उनको भी नियमित रूप से बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है आपका अश्वगंधा। अश्वगंधा नाम से ही अपना काम बताता है, अश्व।
हॉर्स पावर सुना होगा आपने, वो ताकत देने में मदद करता है। बहुत ही ज्यादा स्टेमिना एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। ताकत एनर्जी और आपकी बॉडी में चुस्ती स्फूर्ति लाने में मदद करता है। जहां कहीं आप ताकत में कमजोर महसूस करें या अपने आप को स्ट्रेंथ वाइज कमजोर महसूस करें, ये यूज कर सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज मानसिक तनाव के चलते भी इसे यूज किया जाता है। तीसरी चीज, मेल्स जो फर्टिलिटी के चलते प्रॉब्लम है उसके चलते जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें भी ये साथ में रिकमेंड किया जा सकता है। बाकी सारे कैप्सूल जो बताए गए हैं वो दिन में 2 कैप्सूल देने होते हैं। ये दोनों कैप्सूल जो है ये आपको दिन में 1 कैप्सूल लेना होता है। दोनों मतलब दूसरा कौन है, गिरा जिनसिंग विदेशी अश्वगंधा का, स्टेमिना स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है, उसके चलते आप इसे ले सकते हैं। ये आपकी हेल्प करने वाला है मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हुए सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। एक चीज, इसको भी दिन में एक ही लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका गोल्डन मिल्क। मैंने ऑलरेडी